नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेन सिंह। आप देख रहे हो रामेन टेक एंड बैंकिंग यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही खास होने वाली है, खासतौर से हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जो CSP संचालक हैं उनके लिए। आज जो खुशखबरी वो हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हम कितने रुपये तक जमा करके अपना अकाउंट ओपन फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमें आपको मालूम था कि पहले हमें जीरो, अगर हम अकाउंट इंटरलिंक डिपॉजिट था वो हम जीरो कर देते थे, तो जीरो करने के बावजूद भी हमारा अकाउंट ओपन फॉर्म जो डिपॉजिट हो सक्सेस हो जाता था, अकाउंट ओपन फॉर्म निकल आता था। लेकिन बीच में कुछ प्रोसेस ऐसा चेंज कर दिया था हमारा SBI के सर्वर ने कि जब तक हम एक रुपये नहीं डालेंगे, एक रुपये से लेकर 20,000 तक, तब तक हमारा अकाउंट ओपन फॉर्म जनरेट ही नहीं होता था। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मेरी जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसे प्रेस ऑल कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्टेट बैंक लगातार अपने CSP के लिए और नए नए कदम उठाती रहती है, नए नए सर्विसेज चालू करती है। ऐसे में ही आज अभी कुछ समय पहले एक नई सर्विस चालू की है। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले हम जो इंटेलिजेंट डिपॉजिट था वो एक रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक करना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब आप किसी भी अकाउंट को में जीरो रुपये डालकर भी, उसमें बैलेंस जीरो रखकर भी उसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस पर एक अकाउंट का कस्टमर था, यहाँ पे देखो इंटेलिजेंट डिपॉजिट मैंने जीरो कर दिया है और यहाँ पे इसे कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म करने के बाद देखो इसका आईडी कार्ड जनरेट हो गया है। तो आज की वीडियो यही थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, एक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।